आज नुमाइश में ट्रैफिक स्टॉल जो हर बार लगाया जाता है उसको इनॉग्रेट करने के लिए मैं आया था। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स एडिशनल जॉइंट सीपी रंगनाथ, डीसीपी प्रकाश और करुणाकर उनके ऑफिसर्स के साथ इसको बनाए हैं। ये हर बार किया जाता है नुमाइश के दौरान। यहाँ पर जो भी आते हैं बच्चों के साथ, यहाँ ट्रैफिक स्टॉल में जाकर ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनका अवेयरनेस किया जाता है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज, उसका मतलब क्या है, स्टॉप कैसे करके जाना है और दूसरे जो स्पीड के वो हैं उनको दिखाया जाता है। क्या क्या, कैसे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करता है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करता है अपने एनफोर्समेंट में, चालान्स कैसे डालते हैं, ये सब उनको सिखाया जाता है। ये अवेयरनेस का है। ये बार ये देखा गया कि उसके बाजू एक शीटिंस भरोसा का भी एक है, वो स्टॉल है, उसमें साइबर क्राइम के जो इक्विपमेंट है, कैसा साइबर क्राइम किया जाता है, उसके बारे में भी एक स्टॉल लगाया गया। बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में भी आजकल पब्लिक में काफ़ी नाराज़गी है और क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, चीटिंग, लोन फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, मैरिज फ्रॉड्स, ऐसे बहुत चीज़ सुनाई दे रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा हमारे क्राइम सीसीएस ऑफिसर्स ने किया है एआर श्रीनिवास के सुपरविजन में। तो आज बहुत खुशी की बात है कि नुमाइश जो जनवरी में शुरू होना था वो आज शुरू होकर 15वां दिन चल रहा है। इसको हम उसका बहुत ही एनकरेजमेंट हम दिए थे कि इसको चलाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी, उनका जो जीने का आधार था वो ख़त्म हो गया था, गरीबी बढ़ गई है देश में भी, और जो एम्प्लॉयमेंट का जो था, रोज़गार था, उसका भी हमने देखा कि बहुत नुकसान हुआ है लोगों को। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम दे सकते हैं, इनक्रेज कर सकते हैं पुलिस की तरफ से, हम करना चाहते हैं। और नुमाइश एक जो हैदराबाद का बहुत ही पुराना इवेंट है, उसको हम दोहराना चाहते हैं, उसको इनक्रेज करना चाहते हैं। तो इसका परमिशन हमने दिया था, बट फिर से थर्ड वेव आने के कारण उसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। पर फिर से जब एग्जीबिशन सोसाइटी वाले आए थे कि परमिशन देना इसको कैसे भी करना है, गवर्नमेंट में जिसके इनके प्रेसिडेंट जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी आलोचना की और उनको उन्होंने भी कहा कि इसको कैसे भी करना है। तो हमने आगे चलकर इसको परमिशन दिया है, क्योंकि कभी भी इसको मार्च और अप्रैल के महीनों में चलाया नहीं गया, पहली बार है। पर हम चाहते हैं कि इसके द्वारा लाखों जो इस पर गरीब लोग हैं, जो इस पर जो सेल्स करते हैं, जो स्टॉल्स चलाते हैं, उस पर निर्भर हैं, इस पर आधारित हैं, उन सबको मदद होगी इससे। और हम एग्जीबिशन सोसाइटी वालों को भी बहुत हम दाग देते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी भी रिवाइव हो और गरीब लोगों की सहायता हो। यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे हैं रोज़, इसका हम बंदोबस्त का पूरा इंतज़ाम किए हैं और ये चलता रहेगा ये महीना और अगले महीने भी। सर एक्चुअली आपके थोड़ा लेट चालू होने से सोसाइटी की तरफ से इसका फिर से एक बार वो करेंगे, इसका रिवाइव रिव्यू करेंगे कि 45 डेज के वो लोग एग्जीबिशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब इसके बारे में हमको बताएंगे, हम उसका रिव्यू करेंगे और जो भी हो सकता है हम करेंगे, ज़रूर इसका एक्सटेंशन चाहते हैं, तो हम उसका पॉजिटिवली हम देखेंगे। थैंक यू।